आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में ये औद्योगिक क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये औद्योगिक क्षेत्र 2 से 2.5 दशक पुराना और 3 दशक पुराना भी माना जा सकता है। ये अपनी दुरावस्था का हाल खुद ही कहता नजर आ रहा है। ये जो शेड आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बाएं हाथ तरफ जो दिख रहे हैं, ये उद्योग विभाग के स्वामित्व वाली जमीन है, और दाएं तरफ रिहायशी कॉलोनी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सड़क किस कदर जर्जर हो चुकी है बताने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यहाँ उद्योग कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र अगर आप जाएं और आप कोई उद्योग लगाना चाहें, उनसे अगर आप जमीन चाहेंगे तो यहाँ आपको 1 इंच जमीन भी उद्योग विभाग उपलब्ध नहीं कराएगा। ये देखिए, यहाँ पर लकड़ी का टाल भी है उद्योग विभाग की जमीन में। ऐसा बताया जा रहा है कि उद्योग विभाग की जमीन है जहाँ ये लकड़ी का टाल है। उद्योग का तात्पर्य लघु कुटीर उद्योग से लगाया जा सकता है। सड़क यहाँ पर कुछ सीमेंटीकृत सड़क भी दिख रही है, और बाकी जो डामर की जो सड़क आपको दिख रही है किस कदर जर्जर हो चुकी है, खरपतवार किस तरह उगी हुई है। और ये जो आपको पीछे चिमनी दिखाई दे रही है, क्रिसेंटलाइज इंडस्ट्रीज जो 90 के दशक में सिवनी से छोड़कर जा चुकी है, और ये जो नज़ारा आपको दिखा रहे हैं ये राजाधिराज इंडस्ट्रीज का है। एक जमाने में राजाधिराज इंडस्ट्रीज का यहाँ एक उत्पाद जो होता था। ये देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये क्रिसेंट एलाइज इंडस्ट्रीज का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। योगेश ठक्कर के स्वामित्व वाली क्रिसेंट एलाइज इंडस्ट्रीज बंद हुई है 2 से 2.5 दशक से अधिक समय, 3 दशक के लगभग समय बीत चुका है, और जगह यहाँ पर खाली पड़ी है। उसके बाद भी यहाँ आपको 1 इंच जगह भी उद्योग विभाग देने को तैयार नहीं है, जबकि नियम कहता है कि अगर 6 महीने के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन चालू नहीं किया और साल भर के अंदर अगर आपने जमीन आवंटित होने के बाद प्रोडक्शन उत्पादन आरंभ नहीं किया तो आपकी लीज निरस्त कर दी जाएगी। यहाँ सालों से लोगों के द्वारा लीज ली जाकर और उद्योग संस्थापित नहीं किए गए हैं। ये राजाधिराज इंडस्ट्रीज का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। दाएं तरफ जो आपको बाउंड्री वाल दिख रही है, राजाधिराज इंडस्ट्रीज की बाउंड्री वाल है। कितना बड़ा रकबा इनके पास है और ये बेकार ही पड़ा हुआ है। सिवनी शहर के अंदर ये जगह आ चुकी है। सिवनी में अगर कोई बड़े कार्यालय यहाँ स्थापित करना है तो उसके लिए मुफीद जगह ये मानी जा सकती है। कलेक्ट्रेट परिसर को सिमरिया, यहाँ से बहुत दूर ले जाने की एक कवायद की जा रही है, जबकि ये इतना बड़ा रकबा है कि यहाँ अगर कलेक्टर कार्यालय, देखिए सड़क कितनी जर्जर हो चुकी है, कलेक्टर कार्यालय, और कलेक्टर कार्यालय ऐसा बनाया जा सकता है जहाँ पर सारे कार्यालय एक छत के नीचे यहाँ पर स्थापित किए जाए। ये राजाधिराज इंडस्ट्री का मुख्य द्वार देखिए कितना जर्जर हो चुका है। ये 90 के दशक में ये बंद हो चुकी थी, और ये दाएं तरफ जो आप देख रहे हैं बिजली विभाग का एक कार्यालय है मध्य प्रदेश। ये देख सकते हैं 132 kV सब स्टेशन, और यहीं पर बिजली विभाग के लोगों की रिहाइश भी है। ये राजाधिराज इंडस्ट्रीज, यहाँ आपको पढ़ते भी नहीं बन पा रहा होगा कि राजाधिराज इंडस्ट्रीज यहाँ कभी थी। 90 के दशक में यहाँ ये राजाधिराज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, और आज प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात की साक्षात गवाह है कि यहाँ पर ये इंडस्ट्री हुआ करती थी। यहाँ चहल पहल उस दौरान रहा करती थी, पर लगभग 3 दशकों से ये पूरा का पूरा इलाका वीरान ही पड़ा हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ यात्री बस भी पार्क की हुई हैं, लोगों ने मवेशी पाल रखे, और यहाँ कुछ शेड आपको दिखाई दे रहे होंगे, लोग खेती भी यहाँ करते नजर आ रहे हैं। पता नहीं सिवनी में, सिवनी के 2-3-4 दशकों से सांसदों और विधायकों के द्वारा सिवनी में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में प्रयास क्यों नहीं किया गया है। आज प्रौढ़ हो रही पीढ़ी के पास अगर यहाँ पर उद्योग विकसित किए जाते तो निश्चित तौर पर रोजगार होता। रोजगार के साधनों का अभाव सिवनी में
साफ परिलक्षित होता है। यहाँ ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ आपको कपड़े सूखते भी दिख जाएंगे, जिसका तात्पर्य है कि यहाँ पर लोग रहने लगे हैं, बजाय इसके कि यहाँ उद्योग संचालित किए जाएं। ये उद्योग सिवनी के DIC जिला उद्योग केंद्र की हकीकत बयान करता हुआ ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। कितने उद्योग यहाँ लगे, कितने उद्योगों को कब जमीन आवंटित की, अगर इस बारे में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, विधायक दिनेश राय, चूंकि उनके संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए वे अगर संसद या विधानसभा में प्रश्न लगा दे तो उनको उनके सामने स्पष्ट स्थिति हो जाएगी। देखिए सड़क पर कितने गहरे गड्ढे हो चुके हैं, आवारा मवेशी यहाँ घूम रहे हैं, ये यहाँ शेड भी दिख रहे हैं। कई जगह आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कुछ जगह शेड बन गए हैं, बाकी खाली जमीन पड़ी हुई। आखिर ये जमीन किस काम की? कुछ समय पहले यहाँ अतिक्रमण कर लिया गया था, बहुत मुश्किल से अतिक्रमण यहाँ से हट पाया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आज जरूरत इस बात की है कि जो उद्योग कार्यालय सिवनी में स्थापित है उसकी उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, उसकी जवाबदेही तय की जाए कि सिवनी में कितने उद्योग उसके द्वारा लगाए गए और कितने उद्योग चालू हालत में, जो उद्योग चालू हालत में नहीं हैं उन उद्योगों से जमीन वापस लेकर जो नया उद्योग उपक्रम डालना चाहे, उद्योग डालना चाहे, उनको आवंटित की जाए। शहर से लगी जमीन, बेशकीमती जमीन, करोड़ों की जमीन लोगों के द्वारा हत्या कर रखी गई है, पर इस बारे में देखने सुनने की फुर्सत ना अब तक पदस्थ रहे जिलाधिकारियों को है रही है और ना ही सांसद या विधायकों की नज़रें इस ओर पड़ी हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद इस दिशा में कुछ पहल की जाएगी और युवाओं को उद्योग के लिए मुफीद जगह उपलब्ध हो पाएगी। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।